ज़िंदगी एक ऐसी जगह है या एक ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे कहीं पे फूल हैं तो कहीं पे कांटे, ये बात तो हम सुनते ही पाते हैं। लेकिन इसी ज़िंदगी की शुरुआत या एंड क्या हमारे हाथ में है? क्या सारी घटनाएं, सारे जो भी हमारे साथ घटते हैं वो सब के जिम्मेदार हम हैं? तो उसके बाद भी हम हमारी ज़िंदगी का कैसे संभालें? वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं रास्ते, ज़िंदगी का रास्ते को लेके। ये रास्ता कभी ख़राब होता है, कभी बहुत अच्छा होता है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे, क्यों और किस तरीके से, किस लिए जाते हैं, वही सारे चीज़ें बताएंगे। लेकिन उसके पहले बताएंगे एक कहानी, एक बस जर्नी की कहानी। बस में तो कभी ना कभी हम लोग चढ़े होंगे। जब हम बस में चढ़ते हैं, एक बस आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है एक ही रूट के अगर दो चार तीन बस आ जाए तो हम लोग कोई भी एक में चढ़ते हैं, अपने चूज़ करते हैं, करके चढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हम लोग पैदा होते हैं, वहाँ पे हाँ हम लोग चूज़ नहीं कर पाते कौन हमारे पेरेंट्स बनेंगे, कौन से सोसाइटी में, कौन से रिलीजियस में या कैसे फिनांशियल बैकग्राउंड वाले फैमिली में हम पैदा होंगे, उन लोगों का क्या हालत है, वो हम जान के पैदा नहीं होते, हो जाते हैं ऐसे। वैसे ही बस पे चढ़ने के बाद हम ड्राइवर को देख के पैदा नहीं होते, बस पे चढ़ते नहीं, जस्ट चढ़ जाते हैं। जब ये बस पे हम लोग चढ़ते हैं तो उसके बाद में हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है। एक जर्नी की बात कर रही हूँ मैं, उस पे बस पे चढ़ने के बाद बस के जो कंडक्टर है उन्होंने कहते हैं वेलकम, हमारे बस का जर्नी अभी शुरू होगा, यात्रा तो शुरू होगा। तो पूछते हैं कि ख़त्म? हाँ ख़त्म भी होगा, आप लोग बैठ के भगवान को प्रे कीजिए, कभी बस का जर्नी ख़त्म हो आप लोग उतर जाइएगा आपके डेस्टिनेशन में। सही बात है, जब हम बस पे चढ़ते हैं, बस चलना शुरू करते हैं तो वो बस स्टार्ट हो जाने के बाद, स्टार्ट करने के टाइम में भी हमारे कोई हाथ नहीं रहते हैं। वैसे ही हमारे लाइफ जब स्टार्ट होते हैं हमारे हाथ में नहीं रहते हैं। उसके बाद बस जब चल रहा है, कोई खाई में गिरे या चले सही से, या कोई ताव चढ़ाव से रास्ते से चले, वो डिपेंड करता है उस रोड के ऊपर और जी हाँ जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर के ऊपर। वो ड्राइवर अगर स्मूथ चलाए, रास्ते भी सही रहे तो स्मूथ चलेगा, उसमें आपके कोई कंट्रोल नहीं है। और जब आप उतर रहे हैं उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे ही लाइफ के शुरुआत और एंड में हमारे कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन जब ये बस चल रहा है जर्नी में, इस जर्नी के दौरान जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइम में आप अपने रास्ते खुद से चूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई सो सकता है, कोई किताब पढ़ सकता है, कोई एक दूसरे से आप बात करके फ्रेंड बना सकते हैं, तो कोई ऐसे ही भगवान को बुलाते बुलाते अरे क्या होगा, बस सही चलेगा या नहीं, ऐसे डरते डरते चल सकता है, कोई बिंदास होके गाना सुनने लगते हैं। ये जो जर्नी है लाइफ का भी इसी तरीके से है। आप जब स्टार्ट किए वो ड्राइवर के हाथ में है, यहाँ के ड्राइवर जो भी एक ऑलमाइटी है उनके ऊपर है। कब ये बस वहाँ डेस्टिनेशन पहुँचेगा वो भी ड्राइवर के हाथ में है।
इस दौरान पूरे ये बस जब जर्नी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने से एंड होना तक, वो सारी चीज़ें उस ऑलमाइटी यहाँ पे ये ड्राइवर के हाथ पे है। लेकिन आप इस दौरान अपनी ज़िंदगी को कैसे सोचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही एक औरत या एक आदमी बन जाना या एक लड़का लड़की पैदा होना, तब तक के लिए आपकी कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन एक जेंटलवुमन, एक जेंटलमैन ये बनना आपके हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कैसे ले जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पैदा होते हैं, उस टाइम हम लोग ये सोच के पैदा नहीं हो सकते कि हमारे यहाँ ये ना अमीर है, इसके घर पे अच्छा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, इनके घर पे पैदा होते हैं। आपके हाथ पे नहीं है। जैसे आप जब बस पे चढ़ते हैं, आप जब पता नहीं है ड्राइवर का ना कौन आएगा, वो कैसा चलाता है ना, वैसे ही आप पैदे हो गए। उसके बाद कब किसका मौत आएगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। रास्ते चलते कोई मर जाते हैं, कोई 100 साल जिंदा रह के मरना चाह के भी मर नहीं पाते हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अब ये रास्ते चलते डिफरेंट टाइम्स जो हमारे साथ घटनाएं आते हैं, घटते हैं, उससे भी हम लोग सारे चीज़ों को कभी कहते हैं तकदीर में लिखा है। तकदीर हम खुद बनाते हैं, ये बात भी सच है और ऐसे भी सही है कि कौन से परिस्थितियाँ किस टाइम आ जाएंगी वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, वो आप सोच के भी बदल नहीं सकते, संभल नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस दौरान जैसे कि देखा हम इस बस जर्नी, वैसे ही जिंदगी का जर्नी में हम लोग खुश मिजाज हो सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, किसी का हेल्प करके वो रोड को चूज कर सकते हैं जिस रोड में जाते हुए लोग सभी सबको हंसमुख मिले, ताकि जब जर्नी ख़त्म हो बस से उतर के वक्त सभी आपको बाय बाय कहें। ऐसे ही ज़िंदगी का बस से हम जब उतरेंगे, तब सब थोड़ा बहुत हमारे लिए आंसू बहाए, यही तो हम चाहते हैं ना। तो ये रोड चूज़ करना, लड़का लड़की पैदा जैसे होते हैं, उसमें कोई आपके हाथ नहीं है, लड़का होगा या लड़की होगा। वो लड़का होगा तो वो आदमी बनेगा और लड़की हुआ तो औरत बनेगा, बाई एज ये बन जाएगा। लेकिन ये जर्नी जब आप बन गए, तो आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सच्चे अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक झूठी फरीब इंसान भी बन सकते हैं, ये सभी आपके ऊपर निर्भर है। और जब आप ये बनेंगे तो उसी हिसाब से आपके रोड भी, लाइफ के रोड चूज़ हो जाएंगे। सो लाइफ इज योर, यू हैव टू चूज़ व्हाट यू आर एंड हाउ यू कैन एबल टू रिप्रेजेंट इट। जिस रास्ते से आप चलेंगे या उस रास्ते में चलते हुए आप कैसे व्यवहार रखेंगे, कैसे इंसान को परखेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ शांति के बानी मिले होंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। की ऑफ एडुकेशन जोन जो हमारे चैनल है, ये आप तक पहुंचाते हैं एडुकेशनल वीडियो, कुछ भूतों की कहानी, कुछ मोटिवेशनल कहानी। इस सब में आपको क्या पसंद है, आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं,
वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट के लिए हम वेट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे है तो प्लीज़ लाइक करके कुछ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया में। और हाँ, ऐसे वीडियोस देखने के लिए और अगर आप इस चैनल को नए हैं तो हमारे मोटिवेट करने के लिए हमें, ताकि नए नए वीडियो ला सकें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।